नववर्ष को लेकर रांची के संत मारिया महागिरजा घर विशेष मिसा प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई मसीही शामिल हुए। नववर्ष मंगलमय हो इसकी कामना की। वर्ष पुरानी यादों के साथ बीत गई, ऐसे में नए वर्ष की शुरुआत बेहतर हो, मंगलमय हो, इसको लेकर तमाम लोग अपने धार्मिक आस्था और मान्यता के अनुरूप धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले सुबह से ही तमाम मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं ईसाई मसीही जो है वो अपने नज़दीकी जो महागिरजाघर है वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम इस वक्त मौजूद है रांची के संत मारिया महागिरजाघर में, जहाँ पर नववर्ष को लेकर विशेष मिसा और प्रार्थना यहाँ पे कराया गया, और जिसमें बड़ी संख्या में जो ईसाई मसीही है वो इसमें शामिल हुए। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में जो ईसाई मसीही है वो संत मारिया महागिरजाघर में विशेष मिसा और अनुष्ठान में वो भाग लिए, शामिल हुए, और सभी की यही मनोकामना प्रभु यीशु से रहा कि नए वर्ष की शुरुआत बेहतर हो, पूरा साल 2024 का जो साल वो बेहतर तरीका से बीते, सभी का जीवन खुशहाल हो, यही कामना किया गया। इस तरह से आज शुरुआत हुआ नए साल की। शुरुआत तो हम लोग का जैसा होता है, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पिछले साल का सभी आशीष कृपाओं को के लिए धन्यवाद देने के लिए, और इस नए साल में ईश्वर की पूरी आशीष मिले बच्चों को, हम सबको, और आगे भी अच्छा से चले, इसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले चर्च में आए हैं। पिछले वर्ष में जो कुछ भी हमारे परिवार में अपने साथ जो कुछ घटना घटी है, अच्छे बुरे सबों के लिए, जैसा हम लोग को बाइबल में सिखाया जाता है, हर चीज़ के लिए छोटे छोटे चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है, तो वही चीज़ हमने किया। और इस वर्ष के लिए भी जैसा भी वो परमेश्वर की जो इच्छा है और उनके जो बताए हुए वचन हैं उसी पे हम लोग अडिग रहे और चलते रहे सही तरीके से, बस उसी की मनोकामना की है हमने। यही कामना के साथ जो है यहाँ पे विशेष मिसा और अनुष्ठान जो है वो किया गया है। अपने सहयोगी विक्की के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज 11 भारत, रांची। आपको सीधे रांची के बायोडाइवर्सिटी पार्क ले चलते, जहां हमारे संवाददाता अजय लाल मौजूद है। अजय, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है लोगों में? आज साल का पहला दिन है, लोग मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं, पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क का फिलहाल कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का, ये वही बायोडाइवर्सिटी पार्क है जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने कैबिनेट की बैठक की थी, और पूरी तरह से मुझे लगता है कि 25 से 30 एकड़ में फैला हुआ ये बायोडाइवर्सिटी पार्क, और लोग अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की काफी व्यवस्था, तमाम लोग। मैडम कहां से आई लोग? हम लोग यही रांची से। यही रांची से। हैप्पी न्यू ईयर, एक बोल दिए जोर से, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जोर से। आप लोग, पूरी राज्य की जनता आपको देख रही है न्यूज 11 पर, क्या कहना चाहेंगे? नए साल की बधाई दे दिए लोगों को, सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर सबको बधाई दे रही हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क की खासियत यह है अनुष्का, यहाँ पर एक से एक आयुर्वेदिक पेड़ लगाए हुए हैं, और चारों तरफ का नजारा आपको इतना मनमोहक दिखाई पड़ेगा कि एक बार यहाँ आने की इच्छा जरूर होगी। तमाम लोग देखेंगे नए साल के पहले दिन बायोडाइवर्सिटी पार्क में अपने परिवार के साथ आते हुए, और आज सारा दिन सिर्फ और सिर्फ मस्ती होगी। मैडम कहाँ से आई? रुक जाइए एक मिनट, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। क्या कहा? रुक जाइए सर सर सर, मैडम कहाँ से आई हैं आप लोग? नामकुम से। नामकुम तो बहुत नजदीक से। हाँ, यहाँ के बारे में पहले जानकारी थी या पहली बार आई? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लगा पेड़ पौधा देखकर? अभी तो जस्ट घुस ही रहे हैं अभी, जो नजारा हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम रुकिए, आप भाग रही हैं, राज इधर आ जाइए, उधर धूप है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए लोगों को, जोर से बोल दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आज क्या कुछ प्लानिंग है सारे दिन का? अभी देखेंगे, घूमेंगे तो बताएंगे, अभी तो फर्स्ट एंट्री ही हुई है अभी। तो यहाँ पिकनिक का खाना यहाँ बनेगा या होटल से लेकर आएंगे? लेके आए हैं हम लोग। वाह, लेकर आए हैं। हम लोग को आइडिया नहीं था ना। और क्या कुछ है? हाँ कोई बात नहीं, क्या कुछ है सर झोले में? बस थोड़ा सा खाना पीना है और ये है, और यहाँ तो हम लोग हर साल आते ही हैं,
हर साल। ये हम लोग का पांचवा साल है। ये कौन है? ये बच्ची है मेरी, बेटी है ये आपकी, ये वाइफ है। बहुत बधाई आपके, हैप्पी न्यू ईयर आपको। आप बहुत लकी हैं, पापा आपके बहुत अच्छे हैं जी। क्या कहना चाहोगी? हैप्पी न्यू ईयर, सबका साल अच्छा जाए इस बार। कहाँ पढ़ती हो? जेवीएम श्यामली। वाह, जेवीएम श्यामली की छात्र, मुझे लगता है कि 11th में होगी तुम। जी मैंने पता कर लिया जी। आज चर्च भी गई होगी, पूजा पाठ भी हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या मांगा जीसस से? बस साल अच्छा जाए, अच्छा और पढ़ाई वगैरह अच्छा से हो जाए। भाभी क्या कहना चाहेंगी? बिटिया को बधाई। बिटिया को बधाई, हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबका साल अच्छा बीते बस, और क्या, यही सब। चलिए बहुत बधाई। सवेरे सवेरे मंदिर से आ रहे हैं। बहुत बधाई, मंदिर गिरजाघर सब एक है, और देखेंगे लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी। अनुष्का जी, हैप्पी न्यू ईयर तो हाथ कैमरे को, कैमरे को पूरी तरह से हैप्पी न्यू ईयर जोर से, और जोर से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए पूरे परिवार के साथ, मुझे लगता है कि आज पनीर वगैरह जरूर होगा इसमें, एकदम है। पनीर मसाला या चिकन मसाला? नहीं नहीं, पनीर मसाला, चिकन मसाला वो भी है, बिरयानी, बिरयानी। हाँ, अरे मुस्लिम परिवार के लोग, मैडम बहुत बधाई। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है, ये सर्व धर्म वाला देश है, और पूरी तरह से मैडम क्या कहना चाहेंगे? कितना इंतजार होता है, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, मैडम को आने दीजिए सर। न्यूज 11 में आपका स्वागत है। क्या कहना, कितना इंतजार होता है नए साल का? एक साल तो होता ही है आने के लिए। यहाँ के बारे में जानकारी थी पहले? पहली बार आई है? नहीं, दूसरी तीसरी बार आए। तीसरी बार, क्या कहना चाहोगे बेटा आप बताइए? अच्छा है, क्योंकि इंडिया का तो सबसे बड़ा यही बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो बेटर है कि बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए भी जगह है, कि आप कैक्टस तरह तरह के देख सकते हो, और बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, तो एडुकेशनल पर्पस के लिए भी सही है। तो एक बार तो स्कूल की तरफ से भी आए थे, तो स्कूल तो मेरा दो था, एक सेंट जेवियर्स कॉलेज था और यहाँ बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल। अच्छा, तो इसके मतलब ये होगा काफी स्पेस है अंदर में, कहीं भी बैठ के परिवार के साथ। और अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है जी, चाहे आप परिवार के साथ आए या फिर परिवार के साथ ना आए, कैमरा दिखाएंगे तमाम लोगों के आने का सिलसिला। हैप्पी न्यू ईयर मैडम, रुक जाइए, हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर। क्या कुछ है, क्या कुछ बनेगा आज? बना के लाए हैं यहाँ पे खाने के लिए हम लोग। क्या क्या है मैडम जी यहाँ पे? हम लोग बहुत सारा चीज है। चलिए रहस्य रहने दीजिए, स्वाद बहुत बड़ी चीज है। मैडम क्या कहना चाहेंगे नए साल में, आप यहाँ आई हैं, कितना इंतजार था नए साल का? बहुत इंतजार था, बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं, और परिवार के लोग और लोग आगे और लोग पीछे से आएंगे, पीछे से आएंगे। हाँ। तो यहाँ आना है, पहले से प्लानिंग थी या अचानक से प्लानिंग बनी? अचानक से प्लान बनी है यहाँ के बारे में। हाँ। आ जाइए सर, आपको राज की जनता देख रही है न्यूज 11 पर। बेटा क्या नाम है आपका? दीप्ति कच्छप। अरे दीप्ति कच्छप जी, एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए जोर से। हैप्पी न्यू ईयर। और जोर से हैप्पी न्यू ईयर। आपकी दोस्त भी आ गई, फ्रेंडशिप करो, हाथ हाथ मिलाओ, सेकंड सेकंड, एक बार हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को। हाँ गुड, आप बोल दीजिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इनका नंबर भी लेना है कच्छप जी का, दोस्ती में रहना आगे। सर क्या कहना चाहेंगे परिवार के साथ यहाँ आए? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ जी, है ना। और कैसा लगा पहला परसेप्शन, क्या बना यहाँ के बारे में? पहला परसेप्शन तो यही बता सकते हैं कि अभी जस्ट मैं एंट्री लिया हूँ। अच्छा चलिए, तो बधाई आपको, नए साल ऐसे ही घूमे आप। बेटा क्या नाम आपका? प्रियांजल प्रत्यूष। अच्छा, एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दो जोर से। हैप्पी न्यू ईयर। आप भी साथ में जोर से। हैप्पी न्यू ईयर। जोर से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हैप्पी न्यू ईयर इस प्रकार हो गया, नए साल की बधाई। और मैं उस जगह की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर यदि कोई ऐसा परिवार जो कि अपने साथ पिकनिक के सारे सामान लेकर नहीं आए, उनके लिए व्यवस्था है। अनुष्का, इस बायोडायवर्सिटी पार्क में दो बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, जब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, काफी विकास हुआ उसके बाद से। अब देखेंगे पूरी तरह से क्या बन रहा सर। चौमिन मसाला सर। चौमिन मसाला? ये रोल का मसाला है। रोल मसाला है। क्या क्या डाला इसमें? इसमें जीरा, गोलकी, नमक। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, आप लगातार खाती है मुझे जानकारी है। देखेंगे रोल मसाला है पूरी तरह, मैं पैक करा कर लेता हूँ, हालांकि ठंडा होने के बावजूद। इसके क्या क्या कुछ डाला है सर? इसमें पत्ता गोभी है, गाजर है, गाजर है, और पत्ता गोभी, गाजर, बस उतना ही है। बहुत तीखा भी इसका ये आ रहा है। और इधर देखेंगे पूरी तरह से क्या कुछ है,
लहसुन का अचार, संधना का अचार, आंवला अचार, सब कुछ, महुआ का भी अचार होगा इधर, लहसुन अचार। और ये देखेंगे, ये किसका अचार है? महुआ का अचार। ये पहली बार मैं देख पा रहा हूँ, महुआ से देसी शराब बनता है लेकिन अचार भी बनता है। यहाँ पर देखेंगे तमाम लोग की पूरी तरह से, और परिवार के आने, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, हैप्पी न्यू ईयर जोर से बोल दीजिए, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर जोर से। चलिए तमाम लोग, मैडम रुक जाइए रुक जाइए, स्वागत आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तमाम ये परिवार, मेरी कामना ईश्वर से कि ये परिवार जैसे हंसता हुआ यहाँ सालों भर, यूं ही इनका चेहरा मुस्कुराता रहे। मैडम क्या कहना चाहेंगी नए साल के मौके पर? नए साल में सबका अच्छा से गुजरे, यही कामना करते हैं सब भगवान से। सुबह पूजा पाठ हुआ होगा? ऑफ कोर्स। चलिए मैडम क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बच्चा लोग को लेके आए हैं, अच्छे से घूमेंगे खाएंगे चले आएंगे। और क्या, बंगाली परिवार से हैं? हाँ, हम लोग बंगाली हैं। सुबह सुबह 9 वर्षों सुबह 9 वर्षों। चलिए मैडम क्या, थोड़ा रिएक्शन दे दीजिए फिर जाइएगा। सब अच्छे से हो, बच्चा लोग को घुमाने आए हैं। खाना यहाँ बनेगा या पैक करा के लाए? पैक करा के लाए हैं, पैकिंग सिस्टम। बोलिए मैडम, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अरे सब लोग रुक जाओ, सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बधाई। आप ऐसे ही आपका परिवार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।